हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनुक। दोस्तों, मैंने अभी अभी रक्तांचल नाम का वेब सीरीज देखा है एमएक्स प्लेयर पर। मैं क्या बताऊँ दोस्तों आप लोग को, ये वेब सीरीज मुझे मिर्जापुर का गरीबों का वर्जन लगा। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, एब्सोल्युटली एवरेज वेब सीरीज। कुछ नया नहीं, कुछ डिफरेंट नहीं, कुछ यूनिक नहीं, वही सेम घिसा पिटा गैंगस्टर वाला कहानी। दो गैंग्स हैं, दोनों के बीच में राइवलरी है। गैंग ए गैंग बी को मारना चाहता है, गैंग बी गैंग ए को मारना चाहता है। कभी ये गैंग वाला मेंबर वो दूसरे गैंग के मेंबर को मारता है तो रिवेंज बदला लेने के लिए दूसरा गैंग वाला मेंबर पहले गैंग वाले मेंबर को मारता है, फिर वापस पहले गैंग वाला मेंबर दूसरे गैंग वाले मेंबर को मारता है, और दूसरा गैंग वाला मेंबर फिर रिवेंज लेने के लिए पहले गैंग वाला मेंबर को मारता है। यही चलता रहता है पूरे वेब सीरीज में। फिर उसके बीच में वही पुलिस, वही पॉलिटिशियन। यार क्या है ये यार, जब मिर्जापुर जैसा एक वेब सीरीज ऑलरेडी एक बार सेट कर चुका है, अगर वो बार तक आप पहुंच नहीं पाते हो तो वही घिसा पिटा कहानी यूपी में स्थित कहानी। ये यूपी का क्या मतलब स्टोरी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। अगर गैंगस्टर वाला स्टोरी, इट हैज टू बी अबाउट यूपी एंड बिहार। व्हाट इज दिस यार, यूपी में गैंगस्टर वाले स्टोरीज है क्या? और किधर भी कोई भी रीजन में गैंगस्टर वाला स्टोरीज नहीं है। तो इतना रिपीटेटिव लगा यार, कुछ भी नया देखने नहीं मिला यार। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आप जब एक गैंगस्टर वाला कहानी बनाते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है कास्टिंग। निकेतन धीर को आप इसमें विलन बनाते हो यार, क्या मतलब। निकेतन धीर का पर्सनालिटी आप देखो, 6 फीट प्लस हाइट है, लंबा चौड़ा एकदम बल्कि शरीर है उनका, बॉडी बिल्डर जैसा पर्सनालिटी है उनका यार। उनको एकदम इंटिमिडेटिंग ब्रूटल विलन बना सकते थे आप यार। ऐसा विलन जो यार हड्डियां तोड़ रहा है, जो गला मोड़ रहा है, यू कैड हैव शोन हिम एज एन एब्सोल्यूटली ब्रूटल विलन, जिसको देख के यार लोग इंटिमिडेट हो। इंस्टेड क्या किया आप लोग ने उनके कैरेक्टर के साथ, उनको शॉल पहना के, कोट पहना के चेयर पे बिठाया है और गॉडफादर जैसा बना के उनको डायलॉग्स दिया है। उनको मैरलिन ब्रांडो है क्या वो यार? जब एक आदमी को आप टर्मिनेटर बना सकते हो तो टर्मिनेटर बनाओ ना यार। यू वुड हैव लुक्ड एब्सोल्यूटली ब्रूटल ऑन स्क्रीन। लेट देयर बी ब्लड ऑन हिज हैंड्स, लेट हिम मेक पीपल ब्लीड। यार एक सीन में मेरे को वो ब्रूटल नजर नहीं आया, एक सीन में मेरे को वो इंटिमिडेटिंग नजर नहीं आया यार। कोट पहन के, शॉल पहन के यार, गॉडफादर जैसा डायलॉग बाजी करा रहा, क्यों? विलन बनाया है ना, आपके पास सुपर पर्सनालिटी वाला आदमी है एज एन एक्टर हु कैन प्ले दिस ब्रूटल विलन, मेक हिम ब्रूटल। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी एब्सोल्यूटली लॉस्ट यार, क्या मैं बोलूं यार। और फिर क्रांति प्रकाश झा इस सीरीज के हीरो है यार, वेरी सिंसियर एक्टर, सिंसियरिटी दिखता है उनके परफॉर्मेंस से। लेकिन आई एम सॉरी टू से, गैंगस्टर वाला किरदार आपको सूट नहीं होता है सर। इट वॉज अ टोटल मिसकास्ट दोस्तों, टोटल मिसकास्ट। आप सोचो, अगर मिर्जापुर वेब सीरीज में विक्रांत मसे का कैरेक्टर जो था, दैट वॉज ऑफ अ नाइस इंटेलिजेंट थिंकिंग गैंगस्टर, ही वॉज ब्रेन्स, और ब्रॉन जो था वो अली फजल था, क्योंकि उनका पर्सनैलिटी है वैसा। अगर आप समझो विक्रांत मसे अली फजल का कैरेक्टर प्ले करता मिर्जापुर में, तो क्या मजा आता देखने के लिए? टोटल मिसकास्ट रहता था ना वो। सिमिलरली क्रांति प्रकाश झा का जो पर्सनैलिटी है, जो फेस है, वो इट्स लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ अ फेस यार। गैंगस्टर वाला वो इमेज, वो इंटिमिडेशन, वो विलनी दिखा नहीं पाया यार, मजा नहीं आया। मतलब वो टोटल मिसकास्ट लगा उनका वो पर्सनैलिटी। पूरे सीरीज में मेरे को एक्टिंग सिर्फ दो 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 एक्टर्स का लगा, एक तो है विक्रम कोचर और दूसरा है रोंजनी चक्रवर्ती। रोंजनी चक्रवर्ती प्लेस दिस सिडक्टिव बेब जो एक हनी ट्रैप सेट करती है, और हनी ट्रैप में फंसता है विक्रम कोचर। इन दोनों का एक्टिंग सुपर्ब लगा मुझे, बाकी यार सारे लोगों का एक्टिंग मुझे ऑलमोस्ट एवरेज लगा दोस्तों। स्टोरी में भी बिल्कुल दम नहीं, और यार सबसे फनी तो वो क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस था यार, इट इज सो फनी दैट बहुत अमेच्योरिश लगा यार। क्या चल रहा था, गोली गोली चल रहा है यार, टाइम पास कर रहा है, गन्स लेके ऐसा ऐसा कर रहा है यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? और हाँ, एक्शन से मुझे याद है, द एक्शन एंड द स्टंट सीक्वेंसेस आर वेरी बैडली फिल्म्ड यार, अगेन वेरी अमेच्योरिश काइंड ऑफ फिल्मिंग यार। और वो जो गन फायरिंग शॉट्स है, अगर आप देखोगे ना आपको पता चलेगा यार ये डिजिटली मेड शॉट्स है यार। कोई कोई सीक्वेंसेस में जब बुलेट जाके दीवार को लगता है, जब होल ड्रिल होता है दीवार में, वो देख के मालूम पड़ता है वो VFX से बना हुआ होल है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसमें एक आदमी मरता है एंड ब्लड गेट स्प्लैटर्ड, वो स्प्लैटरिंग ऑफ ब्लड जो आपको दिखता है ना स्क्रीन पर, देख के आपको पता चलता है यार ये VFX है। तो ओवरऑल यार एवरीथिंग लुक्ड वेरी एवरेज एंड अमेच्योरिश, नथिंग ग्रेट एट ऑल। 9 एपिसोड है, 9 एपिसोड का जरूरत भी नहीं था यार, 6 या 7 एपिसोड, 6 एपिसोड में खत्म कर देना चाहिए था। लेंथ भी बहुत ज्यादा है।
फाइनली मैं क्या बोलूँ यार, 1.5 स्टार्स फ्रॉम मी। आई डोंट नो वाई दिस वेब सीरीज वॉज एवर मेड, क्योंकि गैंगस्टर वाला छोड़ो, कोई भी आप कहानी बताते हो तो सबसे पहला देखो आप क्या नया और यूनिक और डिफरेंट आप बता रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, वही सेम मसाला रिपीटेटिव स्टोरी आपको बताना है, तो यार इट्स बेटर टू नॉट मेक सच स्टोरीज। क्वाइट डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड विथ रत्नांचल। 1.5 स्टार्स फ्रॉम माई साइड, आई एम गोइंग विथ दैट। आप लोग अगर देखोगे तो लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसे लगा है। नहीं तो फिर प्लीज गिव दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज अ स्किप, बिकॉज यू विल नॉट बी मिसिंग एनीथिंग एट ऑल। फॉर द मोमेंट सोनू सेज बाय बाय।